सबसे पहले मैं यहाँ अपने जितने ऑटो टैक्सी वाले भाई आए हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है खाता है, आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे आए। जैसे अभी राजेश भट्ट जी, आपका नाम राजेश भट्ट जी, ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले हमारे इतने मुरीद क्यों हैं। आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई। 7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार बनी इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का है। यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में उस वक्त ऑटो वालों को लोग बड़ी नफरत की नज़रों से देखते थे, कहते थे ऑटो माफिया, ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता, ऑटो वाला ज़्यादा ओवर चार्जिंग करता है, ऑटो वाले माफिया हैं, ऑटो वाले ये हैं, ऑटो वाले ये, इस तरह की बातें ऑटो वालों के लिए कही जाती थी। जब मैंने ऑटो वालों से बात करनी चालू की तो कुछ लोगों ने कहा, देखो अगर तुम इनका साथ दोगे तो सारी जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती, ये लोग जनता को लूटते हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। जब मैंने बात की और सारे सिस्टम का पता चला, एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती। कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं, इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, फिर जब वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल होते। इन्होंने जितना भी आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गी में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता हैं, माफिया ये पार्टियां हैं, जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जीत सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। माफिया वो हैं या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जिनकी जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है चार। तो मैंने वहाँ पे दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहती। ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है, और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हम लोगों ने किराए बढ़ा दिए, जितना ऑटो वालों किराया कमेटी बनाई, उस किराया कमेटी में ज़्यादा ऑटो वाले थे, 2-4 अफसर थे। ऑटो वाले ने खुद बैठ के अपना, भाई ऑटो वाले भी जब बैठेंगे अनाप शनाप किराया थोड़ी बढ़ाएंगे, अनाप शनाप किराया बढ़ा देंगे तो सवारी मिलनी बंद हो जाएगी।
तो जब ऑटो वाले अपना किराया तय करते हैं तो वो देखते हैं कि देखो जी अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो टैक्सी से ज्यादा हो जाएगा, फिर लोग हमारे आना बंद कर देंगे, सारा देखते हैं ऑटो वाले, इतना सरकार नहीं देखती। तो ऑटो वालों ने खुद अपना किराया बनाया और आज सारी दिल्ली की जनता भी खुश है और ऑटो वाले भी खुश है। आज दिल्ली के ऑटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, और कई ऑटो वालों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, फोन नंबर। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में अकेला मुख्यमंत्री होगा जिसको कोई ऑटो वाला सीधे SMS करके कह सकता है जी मेरे को ये परेशानी हो रही है, मेरा काम करा दो। अभी थोड़े दिन पहले हमने कई सारे ऑटो वालों के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो भी फ्री कर दिए। जैसे फिटनेस कराते हो ना साल में एक बार ही, फिटनेस चार्ज लगता है, बहुत ज़्यादा था, ऑटो वाले आए तो हमने वो माफ़ कर दिया। अब दिल्ली सरकार देती है फिटनेस का। एक फेसलेस सर्विस करी है, फेसलेस सर्विस मतलब जैसे अभी एक भाई ने कहा जी RTO में बहुत पैसे लगते हैं, तो अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, आप ऑनलाइन सारा कुछ सब कुछ एक फिटनेस छोड़ के, फिटनेस में तो अपनी गाड़ी ले जानी पड़ती है, फिटनेस छोड़ के बाकी सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो। किसी RTO दफ्तर में आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई दलाल पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो सारी रिश्वत छोड़ी बन गई। बस एक फिटनेस के लिए आपको अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में सबकी दिहाड़ी खराब हो गई, सवारियां मिलती नहीं थी, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सारे घर बैठे थे। हमने पहली वेव आई उसमें दिल्ली के 1.5 लाख ऑटो वालों के अकाउंट में 5,000 रुपए जमा कराए। फिर अभी इस साल अप्रैल में दूसरी वेव आई, दोबारा 1.5 लाख, 1,80,000 ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने 5,000 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाए। आप हिसाब लगा लो, 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने कोरोना के टाइम में जमा कराए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है जिसने अपने ऑटो और टैक्सी वालों का ख्याल रखा हो, केवल अकेली सरकार है। तो जैसा अभी कुछ लोग कह रहे थे, मुझे नहीं लगता आज तक आपको किसी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद बात करने को बुलाया कभी, कभी नहीं बुलाया। पहली बार है कि दिल्ली से आके मैं आज, मेरे और बहुत सारे कार्यक्रम है, सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा आपके बीच में आया हूँ आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं आपसे, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं, है कि नहीं है। आज आपने मेरे को कई सारे लोगों ने 3-4 समस्याएं बताई हैं, उस पर भी बात करूंगा। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे भाई? जोर से बताओ। तो जिंदाबाद, तो आज आपका भाई बनने के लिए आया हूं। आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है ना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, परिवार के लोग जाके उसको कह देते हैं भाई ये समस्या है तो उसी को करना, तो मेरी जिम्मेदारी है। अभी 2-3 चीजें आप लोगों ने बताई हैं। एक तो सिस्टम बदलेंगे सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूपहोल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेंच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे दिल्ली में सिस्टम बदला। दूसरा, सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूं और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी ऑटो वाले को फोन कर लेना और फोन करके पूछ लेना भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना उत्तराखंड। सही है कि नहीं है? तो एक फेसलेस सर्विस करेंगे जैसे दिल्ली में करी है।
कि कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, और साल में एक बार फिटनेस करा के आ जाना, बाकी सारा ऑनलाइन होगा। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं करना आता, वहाँ पे दिल्ली में हमने एक ऑटो वालों के लिए एक नंबर दे दिया, उस नंबर पे फोन कर दो, दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आके काम कर जाता है। या तो किसी पढ़े लिखे से ऑनलाइन करा लो, अपने बच्चों से ऑनलाइन करा लो, ऑनलाइन नहीं करना आता उस नंबर पे फोन कर दो, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके घर आता है आपके काम करने के लिए, आपके घर आके काम करके जाता है। तीसरी चीज, अगर किसी की भी एक्सीडेंट होता है, उसके सारे इलाज का खर्च सरकार देगी, आपको कोई खर्च देने, बेस्ट से बेस्ट आपका इलाज कराया जाएगा। तो एक भाई ने कहा कि इंश्योरेंस से भी बड़ी चीज है, दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। किसी भी दिल्ली के किसी भी नागरिक का चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के किसी भी नागरिक को कोई भी अगर बीमारी होती है, चाहे उसमें 50 लाख 60 लाख 70 लाख का भी अगर खर्चा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा, उत्तराखंड के सब लोगों के लिए करेंगे, आपके ऊपर भी लागू होगा। और जैसे दिल्ली में फिटनेस फीस खत्म करी है, वैसे करेंगे। पार्किंग को लेके था, दिल्ली में भी एक बड़ी दिक्कत होती थी, पार्किंग अलग से नहीं बनी हुई थी, इस वजह से अगर कोई ऑटो वाला 5 मिनट कहीं सड़क के किनारे खड़ा हो जाए, पुलिस वाला आके उससे पैसे लेके जाता था, उसके चालान कटा करता था। अभी हमने 500 स्टैंड बना दिए ऑटो वालों के लिए अलग अलग पूरे दिल्ली के अंदर, तो अब उनकी ऑफिशियल पार्किंग हो गई, पहले ऑफिशियल पार्किंग ही नहीं थी उन लोगों की। बहुत सारे काम है, ये तो मैंने थोड़े से गिनाए, सारे काम करेंगे। कोरोना के टाइम में जो दिक्कत हुई, जैसे दिल्ली में उन ऑटो वालों को दिए, आपको भी पैसे देंगे, ताकि कोरोना के टाइम के जितना आपका नुकसान हुआ वो सारे नुकसान की आपकी भरपाई करेंगे। बड़ी बात ये है, जैसे दिल्ली हमने स्कूल अच्छे करे, अभी बाबूजी कह रहे थे मैं स्कूल देख के आया, कोई कह रहा था मैं स्कूल देख के आया, बड़े अच्छे स्कूल थे, अस्पताल भी बड़े अच्छे कर दिए। आपके बच्चों का भविष्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है, आप चाहते हो ना बच्चे बड़े बने, अच्छे बने बड़े होके, आप नहीं चाहते कि गरीब रहें, गरीबी से बाहर निकले परिवार। पूरे देश में कोई नेता नहीं है जो आपको आके कहेगा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा, किसी ने कहा आज तक? मैं चैलेंज करता हूं, 70 साल के भारत के इतिहास में किसी नेता की मेरे को वीडियो दिखा दो जिसने कहा होगा मेरे को वोट दे दो मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा। मैं आके कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, आपके परिवार के लिए अस्पताल का, अच्छे अस्पताल का, फ्री इलाज का इंतजाम कर दूंगा। अब मैं आप लोगों से 2-3 चीजें मांगना चाहता हूं। पूरे आप लोगों का तो पूरा नेटवर्क होगा ऑटो टैक्सी वालों का, पूरे उत्तराखंड में जितने भी शहर हैं, जितने भी ऑटो टैक्सी वाले हैं, अब आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर ऑटो टैक्सी के पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर चिपकना चाहिए, वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। करेंगे सब लोग? फ्री में करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत अच्छा है, तो एक तो पोस्टर, और दूसरा जैसे एक भाई साहब ने कहा, जितनी सवारी बैठती हैं, सारी सवारियों को आपको, एक सवारी आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा बैठती है, उसको बात करके कि आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कन्विंस करना मंजूर है। तो ये 2 चीज आपसे मांग रहा हूँ, उत्तराखंड में सरकार बनवा दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपसे केवल 1 चीज मांग रहा हूँ, 1 मौका दे दो। दिल्ली वालों से भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा 1 मौका दे दो, काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। अभी जो पिछला चुनाव हुआ 2015 में, हम अपना 2014 में पहला चुनाव लड़े, 2015 में दूसरा चुनाव लड़े, और 2020 में अभी जब हम चुनाव लड़े, तो 2020 में मैंने स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में कि अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मेरे को वोट मत देना। किसी की हिम्मत नहीं होती चुनाव के पहले इतना बड़ा बात करने। आज आपको कह रहा हूँ 1 मौका दे के देखो। आपने बीजेपी वालों की भी 3-4 बार सरकार बनाई, कांग्रेस वालों की भी 3-4 बार सरकार बनाई, 1 मौका आम आदमी पार्टी को देखो, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दोगे आप लोग उसके बाद।
आज आप सब लोग आए, इतना आपके साथ इतनी अच्छी बातचीत हुई, उसके लिए सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार